खबर करौली के सपोटरा से है, जहां पर हार्डकोर अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र मीणा की कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। थानाधिकारी हरजीलाल यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जीतू अपने पड़ोसी मोहन के साथ बाइक पर सपोटरा निकला था, लेकिन रत्नापुरा के जंगल में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में जितेंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक जीतू हार्डकोर अपराधी था और उसके खिलाफ पुलिस थाने में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। के पास में जो जंगल है उसमें एक छान बांध कर राजा मीणा रहता है, वहां पर हम दोनों गए थे। उस पर राजा मीणा ने और उसके साथी दो तीन लड़के और थे, भीम सिंह मीणा डाबरा और दो दो लड़के और थे, जिनमें एक भवानी और बनवारी नाम का व्यक्ति था। इस तरह तीन चार आदमी उसको मुंह बांध कर उधर जंगल की तरफ बेंडा की तरफ ले गए और उसको मार रहे हैं। इस इतला पर उसका पिता और मोहनलाल जब वापस आए तो देखा कि आदमी जो मृतक है, जो मृतक इसका लड़का है धनराज मीणा का, वो वहाँ पर जंगल में करा रहा था, अर्धमृत अवस्था में था। इस पर उसको उसके परिजन उठा के और हॉस्पिटल लाए। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए करौली से एवन संवाददाता अवनीश पराशर फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, बताएं क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, करौली के सपोटरा इलाके का पूरा मामला है। सपोटरा इलाके के बगल में भूतियापुरा गांव में वहां का मामला है जी। यह जो युवक है पुलिस द्वारा एक हार्डकोर अपराधी बताया जा रहा था, लेकिन इसके जो पिता ने मामला दर्ज कराया है उसके अनुसार इसको ही गांव के कोई दो तीन लोग शाम को बुलाकर ले गए थे और पास ही में इसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसके पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाए हैं, टीमों का गठन किया गया है, आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने जो सपोटरा CFC है वहां पर इनका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सपोर्ट कर दिया है। अवनीश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्या परिजनों के द्वारा अभी पुलिस को कुछ जानकारी दी गई है या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर या फिर किसी समुदाय विशेष पर इस चीज का अभी शक का संदेह किया गया है? देखिए, जो मृतक के पिता है उसने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, पुलिस उसी के अनुसार नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। वही पुलिस का कहना है कि ये सपोटरा थाने का हार्डकोर अपराधी था और इसके खिलाफ कोटा और जो सपोटरा थाने हैं उसमें चोरी मारपीट अवैध हत्या रखने के करीब 13 मामले दर्ज हैं। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश।